क्या होए दूसरी भक्ति होती है, दूसरी गति ममा कथा प्रसंग गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के जो पाद सेवा करना है, गुरु के प्रति जो सेवा करना है, गुरु के पद सेवा, इसका मैंने गुरु की सेवा, गुरु की सेवा करना अभिमान रहित होके, अमान होके, अभिमान रहित होके जो गुरु की सेवा किया जाता है वो सेवा, ये तीसरी भक्ति है। ये गुरु की सेवा भगवान की भक्ति है, इसे हमको ये देखना चाहिए। चौथी भक्ति मम गुण गण परई कपट तज ज्ञान प्रवर तज ज्ञान। तो क्या बोलते हैं, चौथी भक्ति क्या होता है, भगवान का गुणगान करना, भगवान के बारे में कुछ बोलना, भगवान इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, भगवान की महिमा का गान करना, ये चौथी भक्ति होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुभेद प्रकाश। पांचवी भक्ति क्या होती है, तो भगवान का जो नाम मंत्र जो है, तो जो इष्ट मंत्र हमने प्राप्त किया है उसी मंत्र को जप करना, वो होता है पांचवी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास भक्ति, जप कैसे करना है, दृढ़ विश्वास के साथ, ये ठीक है गुरुजी ने मुझे ये मंत्र दिया है, ये मंत्र मुझे ये संसार को पार होने के लिए पर्याप्त है, इसी से हम मैं भगवान को साक्षात्कार कर सकता हूँ, इसी से भगवान आ जाएंगे मेरे पास, इसे विश्वास करके जो करना है दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का मंत्र है उसको जप करना, ये पांचवी भक्ति है। छठ धर्म शील विरति गोकर्मा निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा ऐसा होता है। छठा भक्ति क्या है, दम शील, दम इंद्रियों को दमन करके रखना, ये दम दम शील अच्छा स्वभाव अच्छा बनता होना, शीलता जो है वो शिष्टता इसको होते हैं। छठ धर्म शील विरति गोह करना, बेकार काम में नहीं फंसना चाहिए, ज्यादा कर्म नहीं करते जो संतुष्ट रहता है, विरति बहु कर्मा निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, हमेशा सज्जनों का जो धर्म होता है, महापुरुष कैसे अपना जीवन ले लेते हैं, जीवन अपना ये निर्वाह करते हैं, और उनका आचरण कैसे होता है, कैसे धर्म का वो पालन करते हैं, तो सज्जन का धर्म हमें अभ्यास करना है, वो सातवीं भक्ति होती है, नहीं षष्ठ भक्ति, छठ धर्म शील विरति बहुकर्मा निरंतर निरंतर सज्जन कर्म, हमेशा ये सज्जन के रास्ते में, सज्जन के मार्ग में, सज्जन के जो अच्छे गुण होते हैं, सदाचार जो होता है उसी को ये पालन करता है। अगर इसका हम पालन नहीं करते हम भक्त नहीं, इसको हम समझना चाहिए। साधव समूह ही जगत देखा जथा लाभ सपने नहीं देख रही पर दोष, सातवां क्या होता है, जो कि जिस जितना मिल गया है उसमें वो संतुष्ट है, संतोष इसमें आ जाता है ना। सातव समूह ही जगत देखा हिसाब से मन में हमेशा
सोचता है कि भगवान से बढ़कर संत है और उसमें आठवा क्या है आठवां समम आत्मदृष्टा लाभ संतोषा जो मिल गया है उससे संतुष्ट ठीक हरी इच्छा भगवान ने हमें जो दिया है चाहे भी तेरा विराम चाहे भी तेरा नहीं वही ऐसे करके आठव यथा लाभ संतोषा यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो जो गीता में आता है भगवान इसमें यही है भगवान यही बोल रहे हैं कि जो हमें मिल गया है उससे वो हमेशा संतुष्ट रहता है प्रसन्न चित्त रहता है आठव सखंड यथा लाभ संतोषा स्वप्न को नहीं देख हरी पर दोषा स्वप्न में भी दूसरों का दोष नहीं देखता है ऐसे आंख के देखना तो क्या बोलेंगे स्वप्न में भी नहीं देखता है हम क्या करते हैं हमेशा दूसरों का दोष ही हम देखते रहते हैं हमेशा हमारा ये एकमात्र काम है अपना तो जो कर्तव्य कर्म कुछ नहीं करते हैं अपने भक्ति वगैरह कुछ करना नहीं करेंगे अपनी साधना करना वो सब कुछ करना नहीं वो क्या करता है वो नहीं क्या है वो उसके बारे में कंप्लेन करना उनका दोष देखना हमारा यही एक काम है भगवान बोलते जो असली भक्त होता है इसका ठीक विपरीत है स्वप्न में भी दूसरों का दोष वो नहीं देखता है आत्म जथा लाभ संतोषा स्वप्न नहीं देख रही पर दोषा दूसरों का दोष कभी नहीं वो देखता है तो ये से मेरा भक्त होता है और ये और नवम भक्ति क्या है नवम सरल सरसन छल लीला नवम सरल सरसन छल लीला मम भरोसय हरसन लीला ये भी कैसे भक्ति का लक्षण क्या होता है नवम सरल भक्ति जो भक्त होता है उसके मन में कपट नहीं रहता वो हमेशा सरल हृदय है सबको जो भी कुछ बोलेगा उसको विश्वास कर लेगा जो हम सोचते हैं ये अच्छा आदमी है जो बोल रहा है ठीक ही होगा ऐसे करके और टेढ़ा एक बात उसका मन में नहीं आता है हमेशा सरल नवम सरल सब सरल छल देना छल कपट उसका मन में नहीं रहता है सबके साथ बात करता है वार्ताप करता है छल रहित हो नवम सरल सब सर छल देना सबके साथ छल के बिना अपना वर्ताव करता है उसमें कपट वगैरह कुछ नहीं रहता है सीधा सरल विश्वासी होता है नवम सरसन छल दीना मम भरोसा हरसन दीना और हृदय में वो क्या है वो हमेशा हमेशा वो मेरा ही भरोसा रखता है भगवान के ऊपर ही मेरी भरोसा है भगवान की सेवा मेरा और कोई है नहीं कोई भगवान ही मेरे लिए सब कुछ जो भगवान के ऊपर अगर विश्वास रखता है तो उसको क्या परवाह है क्या चिंता है भय क्या है कुछ नहीं हो भगवान है भगवान को मैं सब कुछ छोड़ देता छोड़ के रखा है तो इसलिए क्या है तो ये नवम सरल सरसन छल दीना मम भरोसा हरसन दीना उसके हृदय में हर्ष इसका मैंने कोई चीज मिल गया उसे हम बहुत आनंदित हो जाते हैं अच्छा चीज मिल गया तो बहुत बढ़िया आदमी और कोई अगर मान लीजिए कुछ हमको कुछ बोल देता है असुविधा परिस्थिति हो गई तो हम उदास हो जाते हैं दुख हमारे मन में आ जाता है इसको दीन बोलते हैं तो हर्ष और दीन ही हर्ष शोक से हो रही रहता है तो बोलते हैं कि मम भरोसा जो भगवान के ऊपर भरोसा रखता है दूसरे संसार में क्या होता है उसका कोई परवाह नहीं भगवान है मुझे वो रक्षा करेंगे भगवान के लिए सब कुछ है और फिर दूसरे की मुझे कोई जरूरत नहीं ऐसे बोल के इसका हृदय में रहता है और फिर सबके साथ और इसके अंदर दुख और शोक रहित होता है द्वंद से वो रहित रहता है आपने हमें हमने अगर कुछ उसको दे दिया कोई अच्छी चीज अच्छा बड़ी कुछ बहुत ऐसा इतना करके रह जाता है उससे बहुत प्रफुल्लित हो जाना उल्लास रहना उसका नहीं रहता है इसको हर्ष बोलते हैं वो हर्ष जॉय ये ओवर जॉय उसका नहीं होता है और फिर दीना दुख करना शोक करना उसका मन में कुछ नहीं भगवान की सत्य ये ठीक है तो ऐसा जो होता है ना ये नव भक्ति भगवान ने
संसार को हम सबको ये लॉकडाउन होकर हमें दीजिए। भगवान इसे बोलते इनमें से अगर कोई भी भक्ति हो जाती है वो मेरे बहुत प्रिय होता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। नवमहु एको दिन के होई तो सदेव बोलते हैं तो दिन के होई नारी पुरुष सचराचर कोई कोई भी हो, नारी हो पुरुष हो जो भी कुछ कोई हो उसमें से एक भी भक्ति नव भक्ति से अगर एक भी भक्ति उसकी हो गई है वो मेरे लिए बड़ा ही प्यारा है। वो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे वो उसके वो मेरे लिए बहुत प्रिय हो जाता है। और फिर तुम्हें तुमने तो नौ भक्ति पूरा सारे नौ भक्ति तुम्हारे अंदर है ऐसे बोल के भगवान उसकी प्रशंसा करते हैं सभी। तो इसका मैंने ये कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति सबके लिए सुगम है, सबके लिए उन्मुक्त है, जो कोई भी भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। भक्ति अभ्यास करके समृद्धि को जैसे भगवान का आशीर्वाद मिला हमें भी वैसे आशीर्वाद मिलेगा, भगवान को भी हम प्राप्त कर सकते हैं, वैसे निष्ठा रखनी चाहिए। तो ऐसे करके हमें सोचते हैं समृद्धि की ऐसे अनन्य भक्ति थी, इतने साल हो गए फिर और किसी दूसरे की चिंता नहीं थी, सिर्फ भगवान भगवान कैसे आएंगे कब आएंगे अभी क्या टाइम हो गया है अभी तक नहीं हुआ चले गए नहीं तो ऐसे सब करके वैसे देखते ही अतिथि को उद्देश्य हमको भी यही अनन्य होती है। भगवान के सिवा उनके मन में और कुछ भी नहीं रहती थी, कोई भी चिंता नहीं रहती, वही अनन्य भक्ति का है। भगवान बोलते हैं कि ऐसी अगर अनन्य भक्ति हो तभी परम पुरुष भगवान हम प्राप्त कर सकते हैं। अनन्य भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सबरी जी का जो दृष्टांत हमने दिया माता जी ने बताई वही सही बात, सबरी जी एक आदर्श है। और गोपी लोगों का भी वही था, गोपी का जो ये व्रत में वृंदावन में जो गोपी का थे और ये नारद जी वही यथा ब्रज गोपी का नाम ऐसे बोलते हैं नारद जी। तो जितने सब भक्त हुए हैं भक्ति जिनकी सबसे सबसे श्रेष्ठ भक्ति गोपियों की प्रेम की ध्वजा, इसलिए सबके करके हमारी भक्ति कैसे होगी उसको देखना चाहिए। बहुत अच्छा है, भगवान का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो, कैसे हमारी अनन्य भक्ति होगी उसके बारे में हमको हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। 8:30 बजे सत्संग ओ
सचिदानंद भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। तारकेश्वर भगवान की जय। पराशक्ति महादेवी की जय। सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तों की जय। हमारा गच्छी समस्त साधना साधक साधिकाओं की जय। हमारा गच्छी साधना शिविर की जय।